नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा वो सशक्त हथियार है जिसके द्वारा पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। वाकई तरुण, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि शिक्षा ही तो वो जरिया है जिसके जरिए हमारा देश आज़ादी की तरफ अग्रसर हुआ था और हमारे देश को आज़ादी की सफलता प्राप्त हुई थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के समय 1947 में हमारी जो साक्षरता थी सिर्फ 12% थी, और आज आज़ादी का 70वें साल का जश्न मनाया जा रहा है और हम लोग 75% तक जो है साक्षर हो चुके हैं, और हमारे युवा फ्लैग जो हमारे भारत का है लहरा रहे हैं पूरी दुनिया में और ज्ञान की अलख जगा रहे हैं। और आज शिक्षा की ही बात होगी तो शुरुआत करते हैं, पहले नमस्कार कर लेते हैं। जी, सुप्रभात धरती और धौरारी, मैं तरुण व्यास। मैं नेहा शर्मा। और बात चल रही है जी शिक्षा की, तो आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं एक जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जगप्रीत सिंह, जो कि हेडमास्टर हैं पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा के, और साथ ही साथ इन्होंने 24 साल तक मेयो कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। तो चलिए, आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर जगप्रीत सिंह का। जगप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धुरारी पर। सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ लेकर आए। और एजुकेशन की बात चल रही सर, सुबह सुबह हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ज़माना था जब हम लोग कितने कम साक्षर थे, आज पूरी दुनिया में ज्ञान हम ही लोग बांट रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आज देखते हैं पूरी दुनिया में हमारे युवा जो हैं, फॉरेन में भी वो लोग कहते हैं कि क्या है इंडियन ऐसा दिमाग, कैसे इतनी ज्ञान है। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत की बात करते हैं, तो आपने ज्ञान की अलग जगाना जब शुरू किया जी, तो कैसे टीचर बने, सबसे पहला ये सवाल। मेरे टीचर बनने के पीछे तरुण एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे खुद के टीचर का। जी जी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक टीचर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, और जब उस टीचर का इन्फ्लुएंस उस हद तक हो जाता है कि बच्चा सोचता है मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, और वो उनका रोल मॉडल और उनके सामने एक समक्ष उनका उनका भविष्य दिखाता है। उसी तरह थे मेरे बायोलॉजी के टीचर मिस्टर जावेद खान। जी, उनको जी। हम क्लास में आकर देखा करते थे, किस तरह वो आया करते थे, किस तरह वो पढ़ाया करते थे, क्या वो भाषा का यू नो यूज़ करते थे। लगा कि अगर दुनिया में कुछ बनना है तो जावेद जी जैसा बनना है। अच्छा जी। और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि सोचा ही नहीं कभी कि जिंदगी की रास्ता वहां ले जा रहा है। जी जी। और उन्हीं को रूप में उन्हीं को एक आइडल मारकर हम अपने रास्ते निकल गए। जी, जी। एक इंस्पिरेशन जो मिलती है वो अपन स्कूल जाते हैं तो लगता है कि हाँ मैं इनके जैसा बनूंगा, लेकिन एक इंस्पिरेशन घर से भी होती है कि कई बार घर परिवार में एक ऐसा शख्स होता है जिसको देखकर बच्चा कहता है कि मैं इनके जैसा बनूंगा। तो घर परिवार में किससे इंस्पायर्ड रहे आप, कौन जो तरुण? नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। जी जी। मेरे फादर मदर पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए। जी। वो खास पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे फादर साहब को तो इंग्लिश हिंदी भी नहीं, उर्दू और पंजाबी ही आती थी। जी जी। पर उनका एक सपना था जो हम नहीं पा पाए, वो शायद हम अपने बच्चे में अपना सपना पूरा करेंगे। जी। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी शिक्षा देने में हमको, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भी मैं आज हूँ। मैं आज अपने माँ बाप की बदौलत हूँ। तो पहली शिक्षा तो आपको घर से ही मिल जाती है, तो वो संस्कार है, और वो संस्कार और वो नींव मेरे माता पिता ने ऐसी रखी कि हम पीछे मुड़के कभी देख ही ना पाए। और शायद स्कूल में दाखिला कराना, स्कूल में आगे जिस तरह हमारे को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, मेरे ख्याल से पहले गुरु तो बिल्कुल मेरे माँ बाप ही रहे हैं जिनसे ही मैं प्रेरित हाँ। होकर आगे शिक्षा के रूप में शिक्षक के रूप में आया आगे। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि हर इंसान का पहले गुरु तो उसके माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो शुरुआत थी आपके सफलता की, और अगर बात की जाए आपके दिन की शुरुआत की तो वो कैसे होती है? आप मानेंगे नहीं, मैं 5-5.5 घंटे से ज्यादा कभी सोया नहीं। जी। और जहां तक मुझे याद है जी जी शुरुआत मेरी दिन की 4:45 बजे सुबह होती है, जब मैं
बिना किसी अलार्म के 4:45 और 5 के बीच में उठता हूँ। क्या बात है। अपना फ्रेशन अप होकर मैं अपना रोज सुबह अपनी गेम्स किट पहन के, मेरा रूटीन है मेरे बच्चे जानते हैं जी, 5:20 पे मैं नीचे होता हूँ। 5:30 बच्चे बाहर निकलते हैं अपनी पीटी वगैरह के लिए, अपनी मॉर्निंग स्पोर्ट्स के लिए, मैं उनके साथ होता हूँ जी। 3 दिन में उनके साथ खुद खेलता हूँ, खुद भागता हूँ, खुद साथ में सारे कार्यक्रम करता हूँ। 3 दिन में अपने घुड़सवारों के साथ अपने थोड़ा उस तरफ ध्यान देता हूँ। 6 दिन मंडे टू सैटरडे मेरी शुरुआत यही होती है, फिर बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट, बच्चों के साथ शिक्षा, बच्चों के साथ स्कूल, उन्हीं के साथ लंच, दोपहर को अपना फिर ऑफिस का काम, फिर उसके बाद गेम्स 2 घंटे में रोज बच्चों के साथ खेलता हूँ जी। और जब उनका खुद का प्रिंसिपल, जब खुद का हेडमास्टर उनको देखते हैं वो हमारे साथ खेलते हुए जी, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, एक अलग एनर्जी आती है उसमें जी। और वो एनर्जी उन बच्चों में इतनी ज्यादा है कि हमें उनको सही दिशा देनी है जी। वो एनर्जी भटक ना जाए जी, उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज अगर आज हमारी शिक्षा के लिए है, उस एनर्जी को पॉजिटिव रूप में जनरल डायरेक्शन देना जी। तो ये आपके जमाने में अभी आप इस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी, आप उस पीछे मुड़कर जब देखते अपने स्कूल की और अपने कॉलेज की और जब आप अजमेर में पढ़ा करते थे, तो उस जमाने में और आज के जमाने में पढ़ाई के जो तरीके हैं कितने बदल गए हैं, क्या आपको महसूस होता है कि क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं? तरुण बहुत चेंज हुआ है जी। आज अगर हम 70 साल की आजादी की बात कर रहे हैं तो ये एक लंबा सफर है, 3 पीढ़ियां इसमें शिक्षा पा चुकी है जी। अगर आप मैं अपने फादर साहब के कहूं, अपना कहूं, आगे मेरा बेटा राइट, अब आप देखिए 3 पीढ़ियां मैं जानता हूं इन 70 सालों के अंदर जिन्होंने शिक्षा का बदलाव देखा है जी। बदलाव क्या है? किताबें नहीं बदली, टीचर नहीं बदले, टीचर का रूप नहीं बदला जी। बदला क्या? तो एक तकनीक बदली, और वो तकनीक है आईटी का आना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जी। करना जी। पर सबसे बड़ा बदलाव जो आज मैं नेहा देख रहा हूं इस शिक्षा में वो है रिसर्च। आज एक नई एक दिशा मिल रही है, आपने शिक्षा पा ली, उस शिक्षा को आगे विकसित करना और उसको डेवलप करने के लिए रिसर्च करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आज एजुकेशन में आया है राइट। वाकई। और ये मैं सोच रहा हूं जो ये रिसर्च संशोधन जो हो रहे हैं जी, आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट आप देखिएगा। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आजादी मिली हम 12% लिटरेट थे और आज हम 75%, पर उस लिटरेसी को बुरा ना माने, एक हम लिटरेट वर्ड को थोड़ा मिसयूज भी कर रहे हैं जी। जिनको पढ़ना लिखना आता है, थोड़ी सी गिनती आती है, वो लिटरेट है। रिसर्च जी, उनको एक लंबे रास्ते की तरफ ले जाना, उस रास्ते की तरफ जो एक समाज को बदलेगा, समाज में क्रांति लाएगा, समाज में बदलाव लाएगा, वो एक शिक्षा कर सकते हैं। इसी के जरिए देखिए जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, इसके अंदर शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है कि अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने स्किल्स को सुधार सकते हैं। बिल्कुल। आज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है जी, क्या एक बहुत अच्छा सपना है ये, और ये सपना साकार तभी होगा जब हम उनकी स्किल एनहांसमेंट करेंगे, क्योंकि स्किल्स ही आगे आपको जॉब दिलाएंगी, जॉब ही आपको रिसर्च करवाएगी, और ये आगे आने वाला फ्यूचर इतना अच्छा है। तभी आप देखिए जितनी भी आज वेस्टर्न कंट्रीज है या आसपास की कंट्रीज है, फोकस इंडिया को कर रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो आज इंडिया में जी, यूथ ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसको एजुकेट करना, उसको नई दिशा देना, ये आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। और इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा भी रहे हैं, आज इतने बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं। सर, आपकी अगर शिक्षा के दौर की बात की जाए, आपने अजमेर से स्कूलिंग की है, उस समय के बारे में कुछ बताएं। उस समय शिक्षा का एक अलग ही रूप था, जैसे हम आज कहते हैं बच्चों को आप मार नहीं सकते, बच्चों को आप धमका नहीं सकते, चाइल्ड एक्ट्स आ गए हैं। हमने उस दौर को देखा है जहां हमारे रेक्टर, हमारे खुद के प्रिंसिपल केन लेके हाथ में खुद खुले घुमा करते थे, आप जरा सा भी इनडिसिप्लिन पीछे हमारे को 2-3-4 बैंत पड़ जाती थी जी जी। हाथों में नकल्स पे, मैथ्स का सम ठीक ना करने पर नकल्स पे पड़ा करती थी जी। उस समय दर्द होता था, शायद उस समय गंदा विचार भी आता होगा दिल में, लेकिन उसका आज इतना बड़ा असर हम देखते हैं कि आज हम जो भी हैं, वो डिसिप्लिन जो हमारे को स्कूल में सिखाया गया, वो शिक्षा जो हमें स्कूल में दी गई, आज जो भी हैं हम, मेरा तो सारा का सारा श्रेय उन लोगों के ऊपर है जी जी। ठीक है, बदलाव आए, स्कूल की नीतियां बदली, शिक्षा की प्रणाली बदली जी। पर मेरे से कई बार ये बात हुई है और मैं यही कहता हूं, शिक्षक का रूप नहीं बदला,
जी जी, लेकिन शिक्षक का अगर आप टीचर का रूप देखें तो मैं अपने जमाने में कहूंगा टीचर एक एजुकेशन प्रोवाइडर था। राइट, जब मैं कॉलेज आया तो वो मैनेजर ऑफ द क्लासरूम हो गया, उसको क्लास में मैनेज भी करना था। लेकिन जब हम टीचिंग में आए तो हम एक क्लासरूम कंडक्टर बन गए, आईटी को भी लगाना, टीचिंग पैटर्न भी लगाना, टीचिंग एड्स को भी लाना और बच्चों को समझाना। जी, आज एक टीचर का रोल रिफॉर्मर का हो गया है, वाकई इस सब तकनीक को साथ लगाकर रिफॉर्म करना बच्चे को, उसमें एक ऐसा बदलाव लाना जो परमानेंट बदलाव हो। एक बदलाव होता है टेम्परेरी, एक बदलाव है परमानेंट। ये परमानेंट बदलाव हमें समाज में लेके आना है और वो सिर्फ शिक्षा के दे सकती है। सर, शिक्षा की इस अलख में मैं जब देखता हूँ कोई भी, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत बड़ा ज़माना आया एक आज़ादी के बाद, एक समय जब हमारे पास अब बिना कंप्यूटर के लाइफ नहीं है, इंटरनेट के, और आज हम कोई सॉफ्टवेयर खोलकर देखते हैं तो उसके अगर प्रोग्रामर होते हैं तो ज़्यादातर इंडियंस हैं और पूरी दुनिया में हम लोग ने अच्छा नाम कमाया। आप बाहर भी गए हैं, विदेशों में भी, यूके भी गए हैं, तो क्या वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या, मैं मानता हूँ, कोई खामी है जो कि हम लोग ही वहाँ पर राज करते हैं? सबसे बड़ी बात, वहाँ के लोग रिस्क नहीं ले सकते जी, जो एक भारतीय लेता है, वो चैलेंज लेता है और चैलेंज लेने के बाद वो अपना रिस्क फैक्टर बढ़ाता है जो आप किसी भी और नागरिक में नहीं देख पाएंगे, किसी भी देश के। सबसे बड़ी बात हमारी शिक्षा में है, हम बेसिक से अपनी शिक्षा देते हैं। राइट, हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उस पर इतना स्ट्रेस करते हैं जो बाहर के मुल्क नहीं करते। अब आप बाहर के मुल्क के बच्चों को देखिए, उनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, एलसीएम निकालना नहीं आता, वो हर चीज अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर बेस्ड है। हमारा बच्चा सब बेसिक सीख, पहाड़े याद करके आज के जमाने में आप बाहर जाए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 जो हम बड़े हुए हैं सुन के और आज भी हम सिखाते हैं, वो बाहर नहीं हो रहा है। बिना बेसिक नॉलेज के हम उनको सीधा ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं जी। जब भारतीय वहां पहुंचता है, उसका बेस सही है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है और वो अपने आप प्रोग्रेसिव हो जाएगा क्योंकि उसके पास बेस है जी। वाकई सर, कितना फर्क महसूस करते हैं, तो शिक्षा प्रणाली की तो हमने बात की, लेकिन अगर बात की जाए एक बच्चे की तो उस दौर में और आज के दौर में उसमें कितना फर्क आया है? बच्चे की सोच में बहुत बदलाव आया है जी। एक नई जनरेशन जो आ रही है जी। मैं हमेशा मानता था, मेरा बेटा आज 26 साल का है जी। और मैंने उसको अपने हाथों में बड़ा किया तो मैं सोचता था मैं कभी जनरेशन गैप नहीं आने दूंगा। राइट, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने हमारा एक जनरेशन गैप ऑटोमेटिकली खड़ा कर दिया। जो चीज मैं आज ऑपरेट नहीं कर पाता, मेरा बेटा 2 मिनट में आके आ कहता है आपको नहीं पता मैं कर देता हूं। एक एनालिटिकल माइंड तैयार हो गया और ये हमारी शिक्षा कर रही है जो हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा जो बदलाव ला रही है एनालिटिकल माइंड तैयार कर रही है जी। वो क्रिटिकल माइंड तैयार हो रहा है, वो चैलेंजेस लेगा, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, वो एक थीसिस बनाएगा, एंटी थीसिस करेगा, सिंथेसिस आएगा, वो सिंथेसिस बदलाव लाएगा। ये जनरेशन जो है बहुत चैलेंजिंग जनरेशन है क्योंकि इनके पास में टेक्नोलॉजी भी साथ में है। माइंड से बड़ी चीज कोई नहीं बनाई भगवान ने, वो माइंड जब टेक्नोलॉजी के साथ आ जाएगा, जो टेक्नोलॉजी माइंड ने ही बनाई है जी, वो दोनों का जब एक परफेक्ट बैलेंस बनेगा, इमेजिन ये बच्चे कल जब एजुकेशन लेके एजुकेशन में वापस आएंगे जी, क्या ट्रांजिशन लाएंगे। एक हम आजादी की बात करते हैं, जब तो उस ज़माने में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अच्छे से समझा, वरना लोग तो गुलामी को ही अपनी लाइफ मानकर चल रहे थे। बाकी लोगों ने उस 12% आबादी ने एक ऐसी अलग अलग जगह कि आज हम आज़ाद भारत में अपनी सांस लेते हैं। तो साक्षरता, शिक्षा और आज़ादी, ये तीन जो बातें कितनी कोरिलेट हैं? मैं आपको एक अच्छे उदाहरण से दूँ ये तीन बातों को जी। आज़ादी हमें एक त्रिकोण में मिली है जी, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में जी, बिपिन चंद्र पाल कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, लाला लाजपत राय पंजाब में, पंजाब में, बाल पाल लाल जी। इस त्रिकोण में तीन शक्तियों का उत्पादन हुआ जी, शिक्षा, आजादी और जिंदा दिली जी। जी, अगर आपको आजादी चाहिए आपका दिल जिंदा चाहिए, और जिंदा दिल आज मैं आपको कहता हूं, अगर आजादी हम बात कर रहे हैं जी, एक नई आजादी की हम बात कर रहे हैं आज, आजादी उस रूढ़िवाद से जी, आजादी आज उस नए भविष्य की,
और वो भविष्य की आजादी जो आज एक बच्चा जो क्लासरूम में बैठा है, जो कल का लीडर है, वो लीडर कैसा पैदा होगा, वो आज की क्लासरूम में उसकी शिक्षा उसको बना रही है। जी, और आज की लीडरशिप में आपको ये नहीं कह रहा कि लीडर पॉलिटिकल लीडर, ग्लोबल लीडर जो दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स पे राज करेगा जी, जो नई तकनीक का कल डिस्कवरी करेगा, ये आज के नागरिक, आज के छोटे छोटे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं, ये चैलेंजेस ले रहे हैं। आप आके देखिए, सेवेंथ क्लास का बच्चा, एट्थ क्लास का बच्चा क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, रोबोटिक्स जी, उसमें आप जाके देखिए उसका माइंड क्या काम कर रहा है, जहां आप सोच नहीं सकते वो बच्चा वहां काम कर रहा है। राइट, ये है आज का जनरेशन गैप। और आजकल के बच्चे, जब हम सोचते थे कि हम स्टेज पे जाकर कोई परफॉर्म करेंगे तो बड़े होने के बाद में हमारे हाथ पैर कांपते थे, बच्चों कोई स्टेज फियर नहीं है, वाकई कोई नहीं, उनको कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म दे दो जी, वो देखिए उस पे कैसे खड़े होते हैं जी। ये मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा आज की जनरेशन। सर, इस बदलाव में एक बात आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, आपका क्या परसेप्शन है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे टीवी शोज होते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, सिंगिंग, हर कोई डांसिंग, तो क्या बचपन कहीं खो जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तरुण, मैं आपको बात बताना चाहूँ, हर बच्चा एक गिफ्टेड चाइल्ड है जी। जी, भगवान ने हर किसी को एकेडमिक्स में नहीं बनाया या स्पोर्ट्स में नहीं बनाया, हर किसी को हर कला नहीं दी जी, पर हर बच्चे को एक बखूबी एक कला दी है, जिसको हम कहते हैं एवरी चाइल्ड इज ए गिफ्टेड चाइल्ड। राइट जी, आज अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं और अगर मैं गाने में बहुत अच्छा हूं और मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है अगर आज, तो दुनिया मुझे मेरे गाने की वजह से जानती है, ये शिक्षा नहीं है जी। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर सारेगामा या कोई भी प्रोग्राम जैसे हमारे बच्चों को या किसी को जी, देखिए कितना टैलेंट इंडिया से निकल कर बाहर आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये भी एक शिक्षा है, टेक्नोलॉजी में शिक्षा है जी। बिल्कुल बिल्कुल तरुण, और टेक्नोलॉजी को हमें किस रूप में और किस हद तक यूज करना है, ये आप और हमें डिसाइड करना है एडल्ट्स को, ये बच्चा नहीं जानता है, पर उसको एक फ्रेमवर्क दे देना है, उसको एक बाउंड्री देनी है, इसके अंदर है कि आपने काम करना है जी, देखिए उसकी कला निकलती है कि जी। वाकई वाकई, अरे किसी ने कहा भी है कि इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो क्लास के बाहर खत्म हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा है वो जीवन के अंत तक हमारे साथ चलती है। बहुत खूब, बहुत खूब ने है। और सर, बात करे जाए आप शिक्षा के बारे में, हम और भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेकर चले आपको आपके बचपन के दौर में जी, तो उस समय के बारे में बताएं, क्योंकि आपके फादर बिजनेसमैन रहे हैं और आप एजुकेशन लाइन में जी, तो ये कैसे संभाला आपने, कैसे बैलेंस समझाया अपने फादर? थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था मैम जी। एक सबसे बड़ी बात हुई कि जब मैं बिजनेस फैमिली का बच्चा सर्विस में आ रहा था, तो उसमें अपने बचपन की बात बताता हूँ, अच्छा नहीं माना जाता था जी, कि बिजनेस वाला बच्चा सर्विस करेगा, वो भी टीचिंग करेगा जी, क्योंकि जी, टीचर को ऐसा माना जाता था जिसको कोई काम नहीं मिला वो टीचर बन गया जी, टीचर बाय चॉइस बहुत कम होता था, तो मैंने उसको चूज किया कि मेरे को टीचर बनना है, तो मेरे फादर साहब काफी नाराज हुए, एक अकेला बेटा घर का, इतना बड़ा बिजनेस, ये होटल्स और ये सब कौन संभालेगा, तो काफी नाराज हुए, काफी टाइम इन्होंने मेरे से बात नहीं की, लेकिन मैं चला गया, मेरी मदर मेरे को बहुत साइलेंटली सपोर्ट करती रही, मेरी सिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उसमें, पर कहीं ना कहीं 3 साल बाद जब मैंने अपनी एक अपना पहचान बना ली, तब फादर साहब को एहसास हुआ कि ये भी कुछ कर पाएगा इसमें, तब उन्होंने मुझे इसको अपनाया, जब उन्होंने अपनाया, जब उनका सपोर्ट मिला, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। और जी, आज मैं कहता हूं उनको, वे भगवान के पास है, लेकिन बहुत प्राउड फील करते होंगे जो हम कर रहे हैं उनके। साइलेंटली मदर आपको हेल्प कर दिया करती थी जी। तो एक मम्मी जो होती है वो बच्चे की कई गलतियां भी छुपा लेती हैं और बताने नहीं देती, आगे नहीं बताती हैं। बिल्कुल, स्कूल में, लेकिन जब भी खेल घंटी बजती है और टिफिन खुलता है, तो मम्मी के बनाए हुए उस खाने की याद बड़ी आती है। तो आज भी जब स्कूल में आपकी वो रिसेस होती होगी, तो आपको याद आते होंगे आपके टिफिन, तो क्या उस टिफिन में ऐसी खुशबू थी जो आज भी महक आपके जिंदगी में? आलू के परांठे और आम का अचार जी, आज भी वो खुशबू, आज भी 40 साल बाद भी इसी तरह की वो खुशबू महक आज भी है जी। और एक, मैं तो राजस्थान अजमेर में पैदा हुआ, वही मेरी जन्म भूमि, वही मेरी कर्म भूमि, लेकिन इतना कहूंगा कि सबसे बड़ी अगर मुझे सौगात अगर राजस्थान की मिली, वो थी मेरे माँ बाप ने मुझे राजस्थान में ही शिक्षा दी जी, जी। एक मिट्टी से प्यार और एक माँ का दुलार, दोनों मुझे उस धरती में मिला जी। और मैं कहता हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि, और एक खुशकिस्मत भी होते हैं वो लोग जो कि
जैसे कि आप हैं, आपने बताया कि आप अजमेर में ही पढ़ाई की आपने, और अजमेर क्या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही जाना माना स्कूल कॉलेज, मेयो कॉलेज, वहाँ पर आप वाइस प्रिंसिपल बने, पहले टीचर बने, शुरुआत हुई, तो क्या सीन था? क्योंकि पहली बार में एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपकी जॉब लग रही है, व्हाट वाज द फीलिंग? दो तरह की फीलिंग थी तरुण जी, एक डर और एक खुशी जी। डर वह है कि जिस पद पर अब मैं हूँ, सब अजमेर वासियों का एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा आपके ऊपर एक रहता है बोझ कि ये हमारी पर खरा उतरेगा जी, और होती एक उम्मीद होती है हमेशा, और वो उम्मीद पे खरा उतरना, हमेशा अपने आप को एक टेस्ट करते रहना कि मेरे को, मैं अपने आप को नहीं, मैं पूरे अजमेर वालों को लेट डाउन कर दूंगा अगर कोई गलती हो गई जी। और दूसरी बात वो चैलेंज कि वो करके भी दिखाना जो पहले कभी नहीं हुआ जी, और उन दोनों का ऐसा बढ़िया एक 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 साथ में मिलकर गुजरा कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे लोकल, मेरे सारे नागरिकों से अजमेर से, पर उससे ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे मेयो कॉलेज के कोलीग से जी। 24 साल का सफर, एक यंग टीचर जब आता है उसको रास्ता ढूंढना बड़ा आसान नहीं है, और इतनी बड़ी एक दुनिया के स्कूल में, नामी गामी स्कूल में जब आप जाते हैं तो एक रास्ता आसानी से मिलता भी नहीं है, उसमें रास्ता ढूंढते 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 आप उस मुकाम पर पहुंचना, और उस मुकाम पर पहुंचकर आपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है जो हमने देखा, और हम शिक्षक सर में जो आपने देखा वही वही चीज आज उन बच्चों को हम, और कहीं तरुण बचपन में जो आपको नहीं मिलता जी, आप सोचते मैं किसी रूप से आज इन बच्चों को देता, तो शायद जो कमियां हमें लगी हमारे बचपन की वो आज हम इन बच्चों को देना चाहते हैं, और हम जानते हैं हम उस दौर से निकल चुके हैं, हम चाहते हैं ये बच्चे उससे महरूम ना रह जाए जी जी। तो जब आप मेयो कॉलेज में लगे तो आपके मेंटोर और आपके रोल मॉडल आपके जावेद सर, उनको वो कैसी फीलिंग थी जब उन्होंने आपको देखा एज अ वाइस प्रेसिडेंट या एज अ टीचर मेयो कॉलेज में जब आप अपॉइंट हुए? नया, वो कभी जानते नहीं थे कि वो मेरे रोल मॉडल हैं, ये तो मैंने उनको बहुत बाद में बताया, और मैं उनके जब भी मिलता मैं उनके पैर छूता था जी, और कहीं वो मुझे कभी ऐसा करने नहीं देते थे, हमेशा गले लगा लिया करते थे जी जी। फिर एक बार मैंने उनको मेयो कॉलेज में बुलाया, वो और मैम दोनों, उनकी वाइफ दोनों मेरे घर आए जी। और उस दिन मैंने उनको पहले बताया, सर आज मैं जहाँ हूँ वे सिर्फ आपकी बदौलत, तो शायद अगर आप मेरी क्लासेस में ना आते, मैं टीचर नहीं होता, मैं होटल में अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा होता जी। पर जी। अगर आज आपने मेरे को एक नई दिशा दी है, और अगर आज आपने मुझे एक नया राह दिखाया है, इसके पीछे आप ही का योगदान है, आपका, डॉक्टर टी के माथुर का जी। और फिर जब हम मेयो कॉलेज आए, हमारे गुरु जो हमारे प्रिंसिपल थे जी, मिस्टर प्रमोद शर्मा जी, उनको देख के, मेरे जो फॉर्मर प्रिंसिपल थे मिस्टर एचएल दत्त, हमने देखा ऐसे भी प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि एक अलग डायनेमिज्म, एक अलग ऑरा उनका, तो लगा कि कभी हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी कभी प्रिंसिपल होंगे, हम भी ऐसे असेंबली लेंगे, हम भी कभी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, एक ड्रीम लगता था, एक बिल्कुल एक सपना टाइप लगता था। पर मैं आज के बच्चों को यही बताना चाहता हूँ, अगर आप ये बड़ा सपना नहीं देखोगे तो आप वे मंजिल कैसे पाओगे? मंजिल में पाने के लिए एक सपना देखना बहुत जरूरी है जी, वही सपना। और एक सपना हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए उनका था कि एक आज़ाद भारत हमारे युवाओं को दें, और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 से शुरुआत हुई, तो चलिए 1857 की क्रांति की कुछ झलक देखते हैं सुप्रभात धरती धरारी पर। आउवा की क्रांति का एक रोचक पहलू ये भी है कि यहाँ के दुर्ग में स्थापित 10 सिरों वाली देवी सुगालता माता भी विद्रोह का प्रतीक बन गईं। जब अंग्रेजों ने इसे क्रांतिकारियों की प्रेरणा का स्रोत मानकर किले से हटा दिया, क्रांतिकारी सेना आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ चल पड़ी। रास्ते में रेवाड़ी पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन नारनौल में वे अंग्रेजी सेना से परास्त हो गए। आउवा की इन क्रांतिकारी घटनाओं का बड़ा लोकरंजक वर्णन कविताओं और गीतों में मिलता है। चेलावास में लॉरेंस की हार और मैसन का सिर काट लेने की घटना से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बड़ा परेशान हुआ। उसने कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आउवा भेजी। आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह की सेना में मात्र 700 सैनिक रह गए थे। अंग्रेजों ने 20 जनवरी 1858 को
आहुआ के किले को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पराजय सामने देख क्रांतिकारी आहुआ से प्रस्थान कर गए। अंग्रेजों ने उनका पीछा किया और 24 क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने आहुआ को भी लूटकर तहस नहस कर दिया। बरतानी हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम के पहले चरण ने भारतीय जनमानस को तैयार कर दिया था कि कैसे भी बंधन के दरवाजों को खोल दिया जाए। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर। जी, और स्वतंत्रता संग्राम को देखा हमने, 1857 रानी लक्ष्मीबाई, कैसे कैसे वीर लोग हुए ना, रोंगटे खड़े हो गए। और जब वीरता की बातें सुनते हैं, जब बलिदान की बात सुनते हैं, तो आज के अगर युवा की बात करें तो बहुत जोश है और सब चाहते हैं कि हम चाहे फौज में ना जा पाएं लेकिन देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, और ये शिक्षा के कारण ही हुआ। बिल्कुल, है ना तरुण, बहुत बड़ा बदलाव है जी, एक उमंग है, एक अलग एनर्जी है। फिर मैं वही कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही थी नेल्सन मंडेला जी की, जी कलम में एक वो शक्ति है जो इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, शिक्षा में एक इतनी बड़ी शक्ति है जी। उस शक्ति को हमने सही राह पर डालना है जी। शिक्षा कई रूपों में दी जा सकती है, लेकिन जो शिक्षा हम आज बात कर रहे हैं और जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, उसको अगर सही राह ना मिला, उसको अगर सही रास्ता ना मिला, नेहा कहीं ना कहीं ये भटक भी सकती है। तो हम एक बहुत बहुत डिफिकल्ट जंक्चर के ऊपर हैं इस समय, और उस जंक्चर को सही राह देना हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आज। इसी जिम्मेदारी के चलते और इतने आपने काम किए, इसलिए एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अवार्ड और अलग अलग देशों में भी आपको बहुत सारे अवार्ड मिले जी। तो कहाँ कहाँ जाना हुआ और कौन कौन से अवार्ड से नवाजे गए आप? मेरे को रिसेंटली अभी मलेशियन गवर्नमेंट ने कोलंबो गवर्नमेंट के साथ मिलकर मेरे को डॉक्टरेट ऑनरी डॉक्टरेट से नवाजा जी, जो मेरी एजुकेशन सर्विसेज को देख के, उस खास करके मैंने अभी लास्ट 4 साल में जी अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड के ऊपर बहुत काम किया जी, जिसके कारण मुझे एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड जो मिला था। अभी रिसेंटली उत्तराखंड में मेरे को चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही सम्मानजनक अवार्ड दिया, और वो इसीलिए दिया कि आपने जो लड़कियों की एजुकेशन के लिए जो एक जिम्मेवारी उठाई जी। क्योंकि अब मैं कहता हूँ तरुण नेहा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हम उस बालक को पढ़ा रहे हैं जी, लेकिन हम अगर एक लड़की को पढ़ाते हैं, हम एक फैमिली को पढ़ाते हैं, एक पूरा परिवार पढ़ेगा जी, क्योंकि वह कल फैमिली को रेज करेगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आज हमारी शिक्षा उन लोगों तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही है जी, हमें उनको घरों से लेके बाहर आना है। मैं आज पंजाब में हूँ, मेरे जो स्कूल में है, बहुत बड़ा एक मिशन चल रहा है जी, किसी तरह उनको अच्छे राह पर लाना, अच्छी शिक्षा देना, ताकि हम ये जो सब बातों से उनको दूर रखें और एक सच्चा नागरिक बनने के लिए हेल्प करें। सच्चा नागरिक बनने के लिए एक पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में डालें। कुछ लोग सोचते हैं हम महंगे स्कूल में डालें, पर एक स्कूल का चयन करते समय पेरेंट्स क्या ध्यान रखें? मैं कहता हूँ सबसे पहले उनको ध्यान, बिल्डिंगें स्कूल नहीं बनाती, ईंट पत्थर स्कूल नहीं बनाते, उस स्कूल की फिलॉसफी क्या है जी, वो किस रूप में खड़ा हुआ है जी, उसके अंदर शिक्षक कैसे हैं जी, माहौल कैसा है, वहां उनका बच्चा अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बहुत फंडामेंटल इश्यूज हैं जी, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। नाम नहीं बनाएगा जी, मैं उस स्कूल में पढ़ा और मैं उस जैसा बन जाऊंगा, ये नहीं होगा।
आज हर बच्चा अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश को दे रहा है। मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ थरुना नेहा, ये आपको भी बहुत अच्छी लगेगी कि कल का भविष्य आज की क्लासरूम्स में है जी। वाकई तो हम कल जब भविष्य का सामना करेंगे तो हम किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे, वो जिम्मेवारी हमने ली है। अगर हम कल का भविष्य खराब कर रहे हैं तो वो हम अपने आप को उसका दोष देंगे क्योंकि हमने खराब किया है। बच्चे कभी गलत नहीं होते जी। बच्चे को उंगली जिसने पकड़ी और जिस राह पर चल दिया उसको पकड़ना होगा। एक सर, आजाद भारत में हमें इस चीज को लेकर आज इन दिनों में जितना हम मीडिया में सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि एक गर्ल चाइल्ड है, वो स्कूल जा रही है तो कितनी सिक्योरिटीज उसको चाहिए होती हैं आजकल। एक समाज में उसका जीना बड़ा दुभर हो जाता है, वो स्कूल से के लिए ऑटो में जाती है तो भी वो सेफ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि सब बदलाव हो? बड़ा ये दुख होता है। बहुत बड़ी अवेयरनेस लानी पड़ेगी जी। ये अवेयरनेस बहुत आसान है। ये स्कूल्स जो हैं एक स्ट्रीट प्ले करें, नुक्कड़ नाटक जी, मैसेजेस लेके जाएं बाहर। आज सारी बात शिक्षा पे आ गई है जी। ये जी। बदलाव शिक्षा ही लाएगी। अशिक्षित, जिनको सही शिक्षा नहीं मिली, भटके हुए नौजवान जिनको कोई दिशा नहीं मिली जी, वो ये काम कर रहे हैं। हमें उनके लिए सोचना है। तभी मेरा बार बार एक ही एम्फेसिस है, सही शिक्षा जी। अगर शिक्षा सब ले रहे हैं, उसको सही राह पर लेके जाना ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। मैं बहुत दुहाई, मैं बहुत इनफैक्ट आई मेक अ ह्यूज क्राई इसके लिए कि प्लीज टीचर्स, मैं अपने हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ अपने टीचर्स को भी, जहां भी मैं जाता हूँ वर्कशॉप्स लेने, प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें जी। क्योंकि जी। एक बहुत चैलेंज है हमारे ऊपर, एक बहुत बड़ा दायित्व संभाला है हमने आने वाले भारत के लिए, और वो भारत निर्माण क्लासरूम्स में हो रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट करनी है, उनकी स्किल एनहांसमेंट करनी है, उनके लिए हमने उनके फ्यूचर के लिए टेक्निक्स उनको क्लासरूम्स में लाके देनी है जी। शिक्षा हम ये कहें कि क ख ग और ए बी सी पढ़ के अगर वो शिक्षा ले लेंगे, वो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है जी। उसको दुनिया की शिक्षा के साथ जोड़ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलना जी। क्योंकि दुनिया आज एक कॉलोनी बन के रह गई है जी। ये दुनिया गोल है, कहीं गोल है, कहीं आसानी से। और आज उस चीज के लिए पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन है हमारे बच्चों का जी। उसके लिए तैयार कर। एक सर, पेरेंट्स को आप एक बात बताइए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं नेहा, जो कि हम देखते हैं कि बच्चे कह रहे हैं पापा वो ऐसे अंकल ठीक नहीं, बोले नहीं नहीं फालतू बात मत करो, अपने स्कूल जाया करो। तो बच्चों की बातों पर कई पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, बाद में वो बड़े बड़े खुलासे सामने आते हैं। तरुण, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। और ये आज कई स्कूल्स, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर वो एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, लाइफ स्किल प्रोग्राम जरूर स्टार्ट करें अपने स्कूल जी। जी, ये बात अगर मेरे बचपन में कुछ हुआ और उसको दबा दी गई तो गलती तो हम ढक रहे हैं जी। जी, उस गलती को उल्टा लाइमलाइट में लाना है, उस इंसान को उस समय सजा देनी है जी। जी, एक पूरी साइकोलॉजी चेंज होती है उस बच्चे की जो उस बचपन के उस इंसिडेंट से गुजरा है जी। जी, मैं कहता हूं ये बहुत गलत रूप है कि नहीं बोलना, चुप होके बैठ जाना, मत बताओ किसी को। नहीं, आज हम कहते हैं बच्चों को, अगर आपको किसी तरह की भी किसी से कोई प्रॉब्लम है, प्लीज स्ट्रेट आके, हमने कमिटी बनाई हुई है जी, प्लीज कमिटी को रिपोर्ट करें, मेरे साथ ये बच्चा या मेरे साथ ये टीचर या मेरे साथ ये कोई एडल्ट, इस तरह की बात, क्योंकि वो हमारा भविष्य है, वो इन्वेस्टमेंट है इस कंट्री राइट जी। अगर उनको हमने डरा के धमका के आज अगर हमने चुप करके रखा दिया, वो बच्चा यही शिक्षा लेके आगे जाएगा और चुप करके आगे भी लोगों को रखेगा, और चुप्पी जो है वो आजादी नहीं दिला सकती। बिल्कुल आजादी नहीं। तो आज हमारे को सोच की आजादी चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें एक उसे सही जीवन की भी एक शिक्षा देनी जरूरी है। सर, जब आपने एक गर्ल्स एजुकेशन की आपने जिम्मेदारी संभाली, तो कितना मुश्किल रहा उन परिवारों से लड़कियों को निकालना जो कि शायद एजुकेशन के लिए अवेयर नहीं थे? मैम, बहुत बड़ा, आज भी मैं जूझ रहा हूँ, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जैसे तरुण ने बताया था कि आज भी वो डर है बच्ची घर के बाहर जाएगी, और मेरा एक कंप्लीट रेजिडेंशियल स्कूल है, सारी बच्चियां मेरे पास ही रहती हैं जी। जी, तो और बड़ी जिम्मेवारी, एक बड़ा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की आ जाती है जी। लेकिन इतनी अच्छी सिक्योरिटी जब पेरेंट देखता है कि हमारे बच्चे बहुत सिक्योर्ड है, और फिर वो अपने आप एक एनालाइज करता है मेरे बच्चे के में क्या बदलाव आ रहे हैं, तो वो ठीक है। अब वर्ड ऑफ माउथ से होता है, मेरी बच्ची को मैंने डाला स्कूल में, उसमें ये बदलाव आए, आप भी डालें, तो भाई वर्ड ऑफ माउथ वो हो रहा है। पर आज भी कई पेरेंट्स हैं, जब आप डीप रूटेड विलेजेस में जाएं,
जी। उनको आज भी डर है शहर में बच्चे भेजने का। मुझे 3 साल लग गए मेरे पेरेंट्स को ये समझाते हुए, बच्चों को पंजाब के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पूना भेजिए। 3 साल बाद मैं सक्सेसफुल हो पाया हूं कि मेरे 15-16 बच्चे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। जी, तो जी। एक मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं। जी, ये कहीं ना कहीं आज भी पेरेंट्स असमंजस में हैं, बच्ची को कितना पढ़ाएं, जल्दी शादी करते हैं, कंफ्यूज्ड है। तो क्या क्या करना है उनको, क्या आप क्या एक मैसेज देंगे आज? मैं एक सिंपल मैसेज उन पेरेंट्स को देना चाहूंगा। आज आप एक आजाद भारत में, एक आजाद सोच में जी रहे हैं, मौका दें उन बच्चों को, मौका दें उन बच्चियों को उनका भविष्य बनाने के लिए। एक सपना उन्होंने भी देखा है, उस सपना को पूरा करने के लिए। IFSC स्पोर्ट्स, टीचर एक स्पोर्ट्स में डायरेक्टर होते हैं, आप वो हैं, और आपकी हॉबी जो है क्रिकेट खूब खेलना रही है, बहुत सारे गेम्स आपको बहुत पसंद हैं, तो स्पोर्ट्स में कैसे रुझान हुआ? क्या शुरुआती दौर से ही था? क्योंकि शुरू से एक हिस्ट्री का स्टूडेंट बड़ा हिस्ट्री टाइप का इंसान होता है। नहीं, स्पोर्ट्स की तरफ एक हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, स्कूल डेज से। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जूडो, समटाइम्स बॉडी बिल्डिंग भी, कई बार जवानी का जोश जब आता है, ये सब करते करते एक बहुत अच्छा बैलेंस बना। जी, एक हमेशा मेरे को बहुत पढ़ता था मैं, और मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है जी, और हमेशा यही कहा कि एक सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है वो शिक्षा होती है। तो आपको पढ़ना भी है, आपको खेलना भी है, आपको डिबेटिंग भी करनी है, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको हर जगह जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन देना, और यही शिक्षा है आज तरुण। ये करते करते पता नहीं चला हम कॉलेज आए, और कॉलेज में यूनिवर्सिटी के लिए खेलने लगे, करते 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 प्रोफेशनल आ गए जी। पढ़ाने में भी बच्चों को, मैं जब मेयो कॉलेज ज्वाइन किया, मैं उनका क्रिकेट कोच था जी, टेनिस जी। खेलना, स्क्वाश खेले चले जाना, बास्केटबॉल के लिए चले जाना, हॉकी खेलने चले जाना, फुटबॉल खेलने चले जाना, बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल भी किए, क्रिकेट टीम लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए जी, मलेशिया लेके स्क्वाश टीम पहुंच गए। तो बच्चों के साथ ट्रैवल करते करते खुद की भी एक अपने आप एक नई पहचान बनाने लगे जी जी। और जब प्रिंसिपल बना मैं, तो एक सबसे बड़ी बॉडी है हमारे पब्लिक स्कूल्स की, IPSC, जिसका भी आपने जिक्र किया था जी। ये 84 टॉप स्कूल्स इंडिया के जो हैं, अच्छा, उनके सारे गेम्स मैं ऑर्गेनाइज कराता हूँ, आई एम द डायरेक्टर फॉर देम जी। और हर एज ग्रुप के बच्चों के, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, लड़के और लड़कियां जी, पूरे इंडिया में इनके गेम्स में ऑर्गेनाइज करता हूँ। और इतना ज्यादा कार्य मैंने इसका काम किया कि लास्ट ईयर अभी मेरे को स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जॉइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति की जी। स्पोर्ट्स के लिए काम करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। एल्टन कॉलेज UK जी, एक्सचेंज टीचर टू एल्टन कॉलेज UK जी, उसके बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा, एक मैं कहता हूँ अगर कोई सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे अगर मिला मेरी शिक्षा का, तो ये उस समय की बात है जब मैं मेयो कॉलेज में पढ़ाता था, और ब्रिटिश काउंसिल और मेयो कॉलेज ने मेरा नाम रिप्रेजेंट किया। ईटन कॉलेज जो एक सबसे नंबर वन स्कूल है आज वर्ल्ड का, जहाँ प्रिंस चार्ल्स वगैरह और सब ये पढ़ते, मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पहुँचा 6 महीने पढ़ाने के लिए जी। वो जो मैं सीख के आया 6 महीने, जिसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया था जी जी। और नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहचान हुई कि बाहर की दुनिया नहीं, तो हमें ऐसे ट्रैवलर जाते हैं, हम ऊपर ऊपर की दुनिया देखते हैं जी। जब आप एक स्कूल के अंदर जाते हैं, उनके साथ रहते हैं 6 महीने और उनको पढ़ाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, फर्क समझ आता है, तो आप उनके ग्रास रूट्स पे पहुंचते हैं जी जी। वहां मुझे पता चला कि हम क्या चीज अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं जी, और क्या चीजें ऐसी हैं जो हम शेड ऑफ कर सकते हैं, हम उनको हटा सकते हैं। जब मैं 6 महीने में वापस आया, एक बहुत बड़ी विचार में बदलाव से आया जी जी। वह विचार मेरे एक्सेप्ट होंगे मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं वापस आया, मेरे जो प्रिंसिपल थे मिस्टर एचएल दत्त, मैंने उनको आके एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जी, कि सर ये चीजें हम अपने स्कूलों में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये चीजों को एलिमिनेट करके उसमें ये सुधार लाके इस तरह से कर सकते हैं, जो मैं सीख के आया जी। और मैं 17 स्कूल विजिट किया था इंग्लैंड के उस समय, ब्रिस्टल, क्लिफ्टन, एडवर्ड, सारे स्कूल, चार्टर हाउस जी, बहुत स्कूलों को विजिट किया, मैंने स्टडी करके रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट मेरी ब्रिटिश काउंसिल ने मंगाई कि आप हमारे को रिपोर्ट भेजें, जो आपने रिपोर्ट ली है उसके बेस पे हमने कितने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए अपने स्कूल में जी जी। यही मैं आपको बोलता हूं, जो सबसे बड़ी शिक्षा ट्रैवलिंग है जी। आप कहीं भी जाते हैं, एक नई शिक्षा लेके आते हैं जी, और वो आपकी कहीं ना कहीं सोच को बदलती है
जी, शिक्षा से सोच तो बदलती है, बिल्कुल बदलती, और जब सोच बदलती तो जीवन भी बदल जाता है, समाज में बदलाव आता है, देश में बदलाव आता है। और अभी आपने बात की थी कि एक सर्वांगीण एक विकास होना चाहिए बच्चे का, और उसी में आप साथ ही साथ आपको शौक रहा है डिबेटिंग का भी, बहुत ज्यादा, उसके बारे में बताइए कुछ। इसका श्रेय फिर मैं दूंगा मेरे एक बहुत अच्छे टीचर रहे जो जिन्होंने मेरे को बहुत प्रमोट किया इसके लिए, जो मेरे प्रिंसिपल थे फादर रेमंड कोयलो, और उन्होंने मेरे को बहुत प्रमोट किया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम बोला करो। लेकिन मुझे स्टेज फियर था जी, तो मुझे बहुत डर लगता था स्टेज के ऊपर आने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सी शुरुआत की, प्रॉम्प्टिंग करना, जो प्ले होते हैं, थिएटर होते हैं, क्योंकि मैं सरदार था तो सरदार होने के रोल्स बहुत कम होते थे, तो लड़कियों का रोल मिल जाया करता था। लेकिन जब थोड़ी बहुत दाढ़ी आ गई तो फिर उन्होंने लड़की भी नहीं बन सकते, तो अब आप तो थिएटर बहुत भार हो गया था। लेकिन मेरे को उन्होंने प्रॉम्प्टिंग के लिए बैठा दिया, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ प्रॉम्प्टिंग करते 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 मैं अपनी भाषा पर एक पकड़ ले रहा हूँ जी, और मेरे को इंग्लिश पे अपने आप एक कमांड आ गया। तो उन्होंने बोला तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, क्यों नहीं तुम जाके डिबेटिंग करते। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकता, मैं याद नहीं कर सकता, याद करता हूँ तो सामने जाके भूल जाता हूँ। उन्होंने बहुत सा एग्जाम्पल दिया, तुम पेपर रीडिंग करो जी, मेरे से पेपर रीडिंग करवाई गई। कब पेपर रीडिंग से डिबेटिंग में आ गया पता ही नहीं चला, वो ट्रांजिशन कब हुआ पता नहीं, लेकिन जब वो आया इतना आनंद आने लगा नेहा जी, इतना आनंद आने लगा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बना लिया। और आज यही सबसे बड़ा काम आता है जी, टीचर का सबसे बड़ा काम बोलना है। एक ड्रामेटिक्स ने आपको इसमें बहुत हेल्प किया, और आपकी हॉबी भी है। एक आजकल जो शिक्षा में ड्रामा को भी इन्वॉल्व किया गया है, और एक पीरियड ड्रामा का भी हुआ करता है, तो किस तरह से ड्रामा जो है, ड्रामेटिक्स जो है, एक मल्टी टैलेंटेड बना देता है इंसान को, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा साधन हो गया। बहुत अच्छी बात कही है तरुण आपने, हर टीचर एक थिएटर ग्रुप का इंसान है जी, आपको बताऊँ अगर टीचर एक एक्टर नहीं है तो वो टीचर हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं शेक्सपियर पढ़ा रहा हूँ क्लास में, या मैं सोक्रेटिस पढ़ा रहा हूँ, या मैं एरिस्टोटल पढ़ा रहा हूँ, मुझे एरिस्टोटल बनना है जी। एडॉल्फ हिटलर की अगर मैं बात करता हूँ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हुए, तो मुझे एडॉल्फ हिटलर का रोल प्ले करना है जी। टीचर हर बार क्लास में एक रोल प्ले करता है, और वो रोल प्ले उसको थिएट्रिक सेंस देता है जी। मैं कहता हूँ थिएटर एक बच्चे के लिए, एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी बात आपके अंदर के जो फियर्स इनहिबिशंस होते हैं उसको हटा देता है जी। एक बहुत आपका अंदर का इंसान जो एक है, हम दबा के रखते हैं जिसको जी, उसको बाहर निकालता है, और वो बहुत जरूरी है आज। कई बच्चों में एक अंदर की आवाज अंदर दब के रह जाती है। डिबेटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वाद विवाद जो हम करते हैं उससे जो एक क्रिएटिविटी भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, कंटेंट भी अपने आप डेवलप होते हैं, और जो हम पढ़ते हैं शायद वही चीज़ें हमें बहुत रिसाइटिंग में बहुत काम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आप क्या पढ़ाई, किताबों से अच्छे दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकते जी जी, और किताबों से ज्यादा आपको कोई कुछ सिखा भी नहीं सकता। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ शायद आप 3 दिन में भूल जाएंगे जी जी, जो आप पढ़ेंगे आपके अंदर रहेगा राइट जी। और मैं तो आज फिर टेक्निक की बात करता हूँ, ये देखिए तकनीक को, किंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, आज लाखों बुक्स एक छोटी सी टैबलेट में आ जाती है, और आप जब चाहें पढ़ने लगे और वहीं से स्टार्ट करें जहां आपने बंद किए जी जी। इतना बड़ा बदलाव, एक किताब को ले जाना, वो बुक मार्क लगा कर रखना, फिर उसको सुबह उठ के पढ़ना, फिर उसको बुक को टर्न करके रखना जी। उस दौर से मैं जब आज देखता हूँ तरुण, एक बहुत बड़ा बदलाव भी है जी, जो अभी अपन बात कर रहे हैं, किंडल्स का आना, एक टैबलेट बुक्स का आना, ई लाइब्रेरीज बन जाना जी। ये देखिए बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, इजीली विकिपीडिया पे जाके बच्चे पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं, और आजकल बहुत फास्ट हो गया। फिर यही बात कि कहाँ टीचर का रोल तो नहीं चेंज कर रहे हैं जी जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कंप्यूटर हमेशा ओवरलैप करेंगे जी जी, लेकिन कंप्यूटर चलाएगा कौन, टीचर। वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में है उसको रेलेवेंस देगा कौन, टीचर। टीचर का रूप ही चेंज होगा कभी। और मैं मानता हूँ सर कि किताब जो है वो कंप्यूटर से बेहतर आज भी किताब मानता हूँ, क्योंकि किताब से अच्छा दोस्त नहीं। अगर आप सच्ची बात पूछे तारुण जी, आज भी वो किताब की खुशबू, आज भी वो बुक मार्क लगाकर अपने साइड टेबल पर रख के सोना आज भी आदत है जी। किंडल है मेरे पास, लेकिन आज भी वो किताब खोल के पढ़ना, बुक मार्क लगा के रात को रखना, और सुबह उठ के वही वाली बुक मार्क के साथ खोलना और आगे पढ़ना, उसका आनंद ही अलग है।
लेकिन सर जहां हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई है, वहीं शायद कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज भी इसके साथ आई हैं कि बच्चे वो अपना दौर तो भूल ही गए हैं, जैसा कि आपने बात की कि किताब की खुशबू वो शायद आजकल के बच्चों को मिलती ही नहीं है। मैम तो एक बहुत बड़ा हमने और चेंज देख रहे हैं, फील्ड गेम्स से बच्चे हटके वीडियो गेम्स। जी जी, टेक्निक ने उनको एक तरह से बहुत ड्वार्फ बना दिया है, एक बोना बना दिया। जी। वो कमरे के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गए। आज ये कंप्यूटर गेम्स दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बना रहे हैं। जी, आप जी। छोटा सा गेम बॉय खेल रहे हैं, आपके दोस्त ने पूछा कि मेरे को खेलने दे, मैं नहीं दूंगा, आपने उसका दुश्मन बना लिया, उसमें आप आसपास के लोगों को बिल्कुल भूल गए और आप उसी में लगे हुए, आपका बचपन खत्म हो गया। वायलेंस भी सर क्रिएट करता है बच्चे, अग्रेशन आ रहा है। अग्रेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वही जैसे नेहा जी ने कहा था कि पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड भी है। जी, फिर उसमें रोल आता है टीचर का, कहां उसको कंट्रोल करना, एक सही दिशा देने की जरूरत है। और सर मैं मानता हूं कि टीचर के साथ साथ, क्योंकि घर पर जब बच्चा जाता है तब टीचर की नजरों से दूर है, तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली तरीके से देखना चाहिए कि बच्चा इंटरनेट पे क्या देख रहा है। बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं आज के जमाने में दो चीजें जो मैं नोट कर रहा हूं तरुण, जो बहुत गंभीरता से हमने लेनी है। जी जी, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, शायद वो बिजी हैं। जी जी, तो वो बच्चे को प्यार तो दे नहीं पा रहे, तो प्यार खरीद रहे हैं। बच्चे देखो ये चीज़ ये लो, हम पैसे से खरीदी हुई चीजों से उसका प्यार पाना चाहते हैं, पहली चीज जो मैं आज का बदलाव देख रहा हूं जो बहुत गलत है। दूसरी बात जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों से डरने लगे, कहीं मेरा बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा मेरे से रूठ ना जाए, उसको उस हद तक हम ले गए हैं कि बच्चा कितना भी बिगड़ जाए लेकिन मेरा बच्चा है। जी, इतना ज्यादा इसी कारण ये सुसाइड्स और जो बच्चों में एक अजीब सी भावना पैदा होना, सेम यही है, ये स्ट्रेस जो आना पूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको दूर करने का एकमात्र साधन क्या है? मैं सिंपल बात करता हूं, अगर आपकी सोच ठीक है, आपकी एजुकेशन, मैं कहता हूं आज जो भी हम हैं, हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी, लार्जली हम किस फैमिली से आए हैं जी, या हम किस स्कूल में बड़े हुए हैं। जी, तीसरा इम्पैक्ट आपके ऊपर कुछ नहीं आता। जी, वो सुपरफिशियल इम्पैक्ट होता है। और ये इम्पैक्ट जो है आज हम सभी ने देखा है, महसूस भी हम कर रहे हैं नेहा, कि ये इम्पैक्ट कितना बड़ा है शिक्षा का। कैसा लगा आज आपको सुप्रभात धरती दुरारी पर आकर? सच्ची पूछे हैं तरुण, नेहा आप मेरे बचपन से लेकर मेरी पूरी जिंदगी को मेरी आंखों के सामने ले आए। जी, और जो पल शायद मैं भूल गया था आज आपने फिर मुझे याद दिला दी। जी, और यही जी। हम लोग सुप्रभात धरती धरारी में करते हैं कि आप जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पलों से कोई शिक्षा पाए और अपने जीवन में प्रसार करे, प्रचार करे, अपने ही अपने आप को सर्वांगीण विकास करे। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलें अपने यहाँ देशभक्ति के गीत की और उसके बाद में न्यूज़ हेडलाइंस। जरा आँख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए जो शहीद हुए जय